हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर का पार्ट 5 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसका कुछ एग्जांपल्स बच रहा था जो आज हम पार्ट 5 में कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप लोग अभी तक पार्ट 4 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 4 देख ले, फिर पार्ट 5 स्टार्ट करें। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 41 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41 में आपको बताना है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या आपको गिनना है। तो आप डायरेक्ट काउंट नहीं करेंगे, तो आप पहले ये देखेंगे कि इस फिगर में, एग्जांपल नंबर 41 में कितना बेसिक फिगर है। आप देखें, लेफ्ट वाला एक बेसिक फिगर है, राइट वाला एक बेसिक फिगर है, ये ऊपर वाला बॉक्स एक बेसिक फिगर है, नीचे वाले बॉक्स एक बेसिक फिगर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 41 टोटल 4 बेसिक फिगर से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम इंडिविजुअल काउंट करेंगे अलग अलग करके कि कितना ट्रायंगल होगा। अगर ये अलग होगा तो कितना ट्रायंगल, 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 फिर हम मिला करके देखेंगे कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अगर जो ट्रायंगल बनेगा तो हम उसको एक्स्ट्रा काउंट करके हम आंसर दे देंगे। तो चलिए पहले हम लेफ्ट वाले साइड में काउंट करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या था, हम पार्ट 3 में पढ़ चुके थे। तो इसमें 1, 2 और दोनों को जोड़ दे 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3। अगर हम यही देखें राइट साइड में कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बन जाएगा। और अपर वाले बॉक्स में कितना ट्रायंगल बनेगा, 1, 2, 3, 4, ट्रिक के अनुसार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ट्रायंगल बन जाएगा, 8। और नीचे वाले बॉक्स में कितना ट्रायंगल बनेगा, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 ट्रायंगल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अभी लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट हम ऐड नहीं करेंगे, अभी ऊपर वाले बॉक्स को नीचे वाले बॉक्स से मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप देखिए कि कितना ट्रायंगल बन जाता है। अगर हम इस बॉक्स को मिला दें तो एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल जस्ट इसके अपोजिट में बनेगा। तो दो बॉक्स को मिलाने से कितना ट्रायंगल बना है, दो बॉक्स को मिलाने से 2 ट्रायंगल नया बना है। अब आइए लेफ्ट वाले बॉक्स को मिलाते हैं। लेफ्ट वाले बॉक्स को मिलाएंगे तो ये लाइन जो है, ये वाला लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो 2 ट्रायंगल बनेगा, एक ऊपर वाला पार्ट, एक जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट, तो 2 ट्रायंगल बनेगा। इस दोनों को ऐड करने से कितना ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन जाएगा लेफ्ट वाले पार्ट को जब हम बॉक्स में ऐड करेंगे। अब राइट वाले बॉक्स को, राइट वाले आपको जो ट्रायंगल है उसको बॉक्स में ऐड करेंगे राइट वाले पार्ट को, तो अब देखिए कितना ट्रायंगल बनेगा। ये लाइन जो है ये आगे कनेक्ट होगा तो फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा, एक ऐसा ही नीचे ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट वाले पार्ट को बॉक्स में मिलाने से कितना ट्रायंगल बना, 2 न्यू ट्रायंगल बन गया। आप कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा तो आप इसे काउंट कर दें। तो चलिए इसे काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या 8 + 8 + 3, और 3 कितना हो गया, 6 + 2 + राइट साइड से 2, एक दोनों बॉक्स को मिलाने से 2, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28, ठीक है। अब आइए हम एग्जांपल नंबर 42 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 42 में 3 बेसिक फिगर से मिलकर बना है, एक ये वाला बेसिक फिगर, एक ये वाला और एक नीचे वाला बेसिक फिगर से बनकर मिलकर बना है, एग्जाम्पल ऑफ 42। तो हम पहले ये काउंट करेंगे, ये तीनों अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो तीनों अलग अलग होगा, अगर ये पार्ट अलग होगा तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, 8, ये वाला पार्ट अलग होगा तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, 8, और ये वाला पार्ट अलग होगा तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, 8। आप क्या करें कि आप इस दोनों बॉक्स को मिलाएं, इस दोनों बॉक्स को मिलाने से देखिए कोई नया ट्रायंगल बन रहा है, इस दोनों बॉक्स को मिलाने से ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक जस्ट इसके अपोजिट बनेगा ये वाला ट्रायंगल। तो इस
दोनों बॉक्स को मिलाने से कितना नया ट्रायंगल बना, दो न्यू ट्रायंगल बन गया। अब हम इस दोनों बॉक्स को मिलाएंगे, इस दोनों बॉक्स को जब मिलाएंगे तो देखिए यहां से एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, तो दो ट्रायंगल यहां भी बना। अब देखिए जब दो बॉक्स को मिला है तो दो ट्रायंगल नया बन रहा है, अब जब तीन बॉक्स को मिलाएंगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा, वो कौन बनेगा, वो ये वाला ट्रायंगल। जब हम तीन बॉक्स को आपस में मर्ज करेंगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा तीन बॉक्स को मिला करके। एक यहां से न्यू ट्रायंगल बन जाएगा। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं, आपको नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा 8 + 8 + 8 + 2 यहां 2 यहां, तो 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 29 ट्रायंगल। त्रिभुजों की कुल संख्या एग्जाम्पल नंबर 42 में कितना होगा 29। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 43 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की कुल संख्या बताना है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितना बेसिक फिगर है, ये त्रिभुज, ये जो फिगर है वो कितने बेसिक फिगर से मिलकर बना है। देखिए एक ये बॉक्स एक बेसिक फिगर, ये दूसरा बेसिक फिगर, ये तीसरा बेसिक फिगर और ये चौथा बेसिक फिगर। तो डायरेक्ट आप त्रिभुज निकालना नहीं चाहेंगे, आप पहले ये देखेंगे ये जो बेसिक फिगर है ये चारों बॉक्स अलग अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, फिर हम एक एक करके बॉक्स को मिलाते जाएंगे और एक्स्ट्रा ट्रायंगल जितना बनेगा हम उसको काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले ये काउंट करते हैं कि ये चारों बॉक्स अलग अलग है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। अगर ये बॉक्स अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 8, अगर ये बॉक्स अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 8 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बॉक्स अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 8 और ये बॉक्स अलग होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 8। तो जब अलग अलग है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हर एक बॉक्स में 8 है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बॉक्स को मर्ज करेंगे। इस दोनों बॉक्स को जब हम मर्ज करेंगे तो देखिए एक नया ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बन जाए। इट मींस दो बॉक्स को मिलाने से कितना ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बनेगा। अब इस दोनों बॉक्स को मिलाइए, इस दोनों बॉक्स को भी मिलाइएगा तो यहां पे एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो इस दोनों बॉक्स को भी मिलाने से कितना नया ट्रायंगल बना, टू ट्रायंगल यहां भी बनेगा। अब इस दोनों बॉक्स को मर्ज कीजिए, इस दोनों बॉक्स को मर्ज कीजिएगा तो ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, तो कितना ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा इस दो बॉक्स को भी मिलाने से। अब इस दोनों बॉक्स को मिलाइए, इस दोनों बॉक्स को मिलाएंगे तो फिर एक नया यहां ट्रायंगल बनेगा और ये अपोजिट इसी के ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो कितना ट्रायंगल बन जाएगा, दो ट्रायंगल यहां भी दो बॉक्स के मिलाने से बन जाएगा। अब दो बॉक्स के मिलाने से दो ट्रायंगल बना है, अब हम तीन बॉक्स को मिला करके देखेंगे कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अब ये वाला ये वाला ये वाला जब हम मिलाएंगे तो आप देखिए ये लाइन जो है ये लाइन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरा ये लाइन के कनेक्ट होने से आप ध्यान दीजिए कि कितना ट्रायंगल बन रहा है। इस लाइन को ध्यान रखते हुए आप मुझे बताइए कि कितना ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल बनेगा जस्ट इसके अपोजिट ये वाला बनेगा। इट मींस इस लाइन के कारण डायगोनल के कारण कितना ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए जस्ट
तीन बॉक्स को जब मिलाएंगे तो यहां भी एक नया डायगोनल बनेगा। अब इस डायगोनल को लेकर के कितना ट्रायंगल बनेगा ये मुझे बता दीजिए। एक ऊपर वाला ये ट्रायंगल बनेगा और एक नीचे वाला ये ट्रायंगल बनेगा। तो इस डायगोनल के कारण भी कितना ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप काउंट कर दे, कोई नया ट्रायंगल अब नहीं बन रहा है, तो आप काउंट कर लें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या 8, 8, 8, 8। तो 8 + 8 + 8 + 8 + अब 2 मिलेगा दो बॉक्स को मिलाने से, 2, 2, 2, 2 सबको ऐड करें कितना होगा 8 + अब एक डायगोनल के आने से दो ट्रायंगल बना, फिर दूसरे डायगोनल के आने से दो ट्रायंगल बना, तो आप ऐड करके मुझे बताएं टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 44। टाइप थर्ड आज एंड हुआ और टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 4 है हमारा काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की गणना करें। टाइप 5 था हमारा काउंट द टोटल नंबर ऑफ सर्कल, दिए गए चित्रों में वृत्तों की संख्या आपको निकालना था। तो टाइप 4 और टाइप 5 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये टाइप 3 आज एंड हुआ है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, थैंक यू।